हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का ये वीडियो भोजपुरी सॉन्ग पे काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गाइज, अगर आप भी ऐसे वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो एंड तक कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइज, आइए वीडियो का प्रीव्यू देख लेते हैं। आशिक ने अपने मासूका की अदा पर फिदा होकर कहा था, क्या कहा था? आशिक ने अपने मासूका की अदा पर फिदा होकर कहा था, क्या कहा था? गाइस, इस वीडियो को बनाना काफी ज्यादा आसान है, और इसी तरह के और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत होने वाली है, जिसका नाम है एलाइट मोशन, और इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें सभी बिटमार्क पे अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, मीडिया को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो आ जाने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमें इस वाले लेयर को अगले बिटमार्क तक बढ़ा देना है, कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इसी प्रकार से आपको सभी बिटमार्क पे अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं तब तक फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने आपको जिस प्रकार बताया उस प्रकार मैंने सभी बीट मार्क पे अपने फोटो को ऐड कर लिया है। उसके बाद हमें सभी फोटो में अपने इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो इफेक्ट को ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे नीचे में आपको इफेक्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ दो इफेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये हमारा पहला इफेक्ट है और ये हमारा दूसरा इफेक्ट है। तो गाइस, हमें पहले दूसरे दोनों इफेक्ट को हमें यहाँ तक ऐड कर लेना है। उसके बाद हमारा तीसरा इफेक्ट ऐड होगा। तो गाइस, हमें पहले इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा इफेक्ट होगा। कुछ इसी प्रकार से हमें यहाँ पे पहला इफेक्ट को ऐड करना होगा, उसके बाद हमारा दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ऐड होगा। तो गाइस, एक एक करके हमें इसमें इफेक्ट को ऐड करते जाना है। तो गाइस, पहले इफेक्ट को हमें कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए पहले इफेक्ट वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस, ये हमारा इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम फोटो वाले लेयर के पास आएंगे और फोटो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जा करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हमारा इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें एक फोटो वाले लेयर को छोड़ देना है, उसके बाद तीसरे फोटो वाले लेयर में हमें इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो गाइस, इसी प्रकार से एक एक फोटो को छोड़ छोड़ करके हमें पहले इफेक्ट को ऐड करना है, और बाकी जो फोटो इफेक्ट बचा रहेगा उसमें हमें दूसरे इफेक्ट को ऐड करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पहले इफेक्ट को ऐड कर लिया है, उसके बाद हमें दूसरे इफेक्ट को ऐड करना है। तो दूसरे इफेक्ट वाले लेयर के पास हमें आ जाना है और उस इफेक्ट को भी हमें कॉपी कर लेना है कुछ उसी प्रकार से। उसके बाद हमें फोटो वाले लेयर में आकर के जहाँ जहाँ भी हमारा फोटो छूटा हुआ था, उस फोटो वाले लेयर में हमें इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो दूसरा इफेक्ट हो जाने के बाद हमें तीसरे इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, तीसरा इफेक्ट हमारा एक ही फोटो में ऐड होगा, और उसी प्रकार से हमें यहाँ पे फोर्थ इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैंने आपको जिस प्रकार बताया उसी प्रकार से आपको सभी लेयर्स में अपने इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो गाइस, फोटो में इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ब्लू कलर वाला एक लेयर देखने को मिलेगा। तो गाइस, उस लेयर को हमें कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और इसे सबसे ऊपर में हमें रख देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें इसे अनहाइड कर देना है। तो गाइस, इसमें हमारा पार्टिकल इफेक्ट ऐड हो जाएगा, उसके बाद हमारा वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप आसानी से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।